प्रधानाध्यापिका द्वारा बिल्कुल मनोनुकूल तरीके से विद्यालय विकास कार्य हो या विधि व्यवस्था चलाया जा रहा है। प्रबंधन समिति की बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है, इसे हम बिल्कुल अपमानजनक और आपत्तिजनक मानते हैं। जब हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम लोग मिले, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को मोबाइल के द्वारा सूचित किया कि आप विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक बुलाएं और इन लोगों की बात को सुने और समस्या का निदान करें, मगर जिला शिक्षा पदाधिकारी के भी बात को मैडम ने इग्नोर कर दिया और आज तक 3 महीना हो गया उनके कहने के बाद भी, लेकिन आज तक बैठक नहीं किया गया। ऊपर से चूना उना पोत पात करके और बिना अनुमोदन, बिना राय विचार किए, बिना हम लोगों को बताए ये अपने मन मौजी से कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी दुख है। प्रबंधन समिति स्कूल के देख रेख के लिए बनाया गया है, जो भी विकास कार्य हो, लेखा जोखा हो, कम से कम प्रबंधन समिति के माने बीच में रखना चाहिए। लेकिन जो प्रभारी महोदया है वो आज तक हम लोगों को इग्नोर किया और इनके समझ से लग रहा है कि प्रबंधन समिति कुछ है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। आज हम पहुँचे हैं गांधी जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटौना मरवन के प्रांगण में, जहां प्रबंध समिति के लोग हैं, विद्यालय प्रबंध समिति सह विकास समिति के लोग यहां जुटे हुए हैं। इनका आरोप है कि विद्यालय के HM विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी की जा रही है, प्रबंध कमेटी के सदस्यों को नहीं पूछा जा रहा है, न कोई बैठक की जा रही है, न कोई राय मशविरा ली जा रही है और लगातार अपने मनमर्जी से मनमानी किया जा रहा है, अपने स्तर से कार्य कराया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। मामला यह है कि मूल रूप से सब बिंदु पर हमारे प्रबंधन समिति सह विकास समिति के अध्यक्ष जी आप पर प्रकाश डाल दिए हैं। उसी बात को फिर दोहराते हुए कहना है कि प्रधानाध्यापिका द्वारा बिल्कुल मनोनुकूल तरीके से विद्यालय विकास कार्य हो या विधि व्यवस्था चलाया जा रहा है। प्रबंधन समिति की बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है, इसे हम बिल्कुल अपमानजनक और आपत्तिजनक मानते हैं। इस माध्यम से हम जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिलाधिकारी का या प्रदेश शिक्षा सचिव का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस विषय पर ध्यान देते हुए यथोचित कार्रवाई की जाए, ताकि मैनेजिंग कमेटी सर्वाइव कर सके। इनके मनमानी के खिलाफ आप लोगों ने कहीं आवेदन? मनमानी के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिए हैं, अपने स्थानीय विधायक सह मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के हम भी आवेदन दिए हैं, अपर मुख्य सचिव के यहाँ हम लोगों ने बाईपोस्ट किया है, के पाठक के यहाँ। अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं आ रही है। स्थानीय जांच पदाधिकारी प्रखंड के जो हैं उन्होंने फ़ोन पर जानकारी दिया है कि हम लोग आए थे विद्यालय जांच करने, तो हम लोग कहे, हमारे अध्यक्ष जी बोले कि विद्यालय जांच के लिए हमने आवेदन दिया है प्रबंधन समिति, हमारी कोई सूचना नहीं है, हमारी कोई उसमें संलिप्तता नहीं है, फिर कैसे आपने जांच कर दिया। इस पर कोई मनोज कुमार जी हैं शिक्षा के स्थानीय अधिकारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आकर के पुनः आप लोगों से मिलेंगे और तब जांच करेंगे, यही है। और हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल इसकी यथोचित जाँच होनी चाहिए कि क्यों मैनेजिंग कमेटी को इसे इग्नोर किया जा रहा है। झंडोत्तोलन में उपेक्षा की गई है, जब भी मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष जी कुछ कहते हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, या किसी सदस्य के बात की कोई सुनवाई नहीं ली जाती है। विकास कार्य हो रहा है, प्रबंधन समिति के बैठक में कोई लेखा जोखा का कोई चर्चा नहीं है, जिस पर ध्यान दिलाने के लिए कई बार मौखिक और लिखित रूप से हमने प्रधानाध्यापिका को व्यक्तिगत तौर पर भी स्मारित किया है, लेकिन उसकी कोई असर नहीं दिख पा रही है। स्थानीय परिसर में एक नया भवन बन रहा है जिसमें भी भारी अनियमितता है, जिसका फोटो हमारे अध्यक्ष जी के पास है। छड़ बांधने के क्रम में हम लोग आए थे इंक्वायरी करने, और यहाँ के मुखिया सहित 10-20 जनप्रतिनिधि भी एक आवेदन तैयार किए हुए हैं, जिसमें सब लोगों ने स्वीकार किया है कि बिल्कुल अनियमितता है इस भवन बनने में, जो परियोजना के द्वारा बना जा रहा है उसकी एक कॉपी छाया प्रति आपको भी हम लोग दे रहे हैं। इसके आलोक में आप लोग आगे की कार्रवाई, हम लोगों की बात को आगे बढ़ाइए। अनिल कुमार सिंह, सदस्य प्रबंधन समिति। क्या मामला है?
देखिए वर्ष 2022 में दिसंबर में हमें इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। उस बीच में सरकार का ये गाइडलाइन था कि हर माह प्रबंधन समिति की बैठक हो और स्कूल का जो विधि व्यवस्था है, जो और भी कार्य है, उसको सही ढंग से देख रेख करके इसको निर्वाहन किया जाए। मगर विद्यालय के जो प्रधानाध्यापिका हैं उनको हम 5 माह से जो है प्रयास कर रहे हैं कि बैठक बुलाया जाए प्रबंधन सब विकास समिति का, और बहुत सारी समस्या है उस पर निदान हो, मगर इन्होंने एक बार भी बैठक नहीं बुलाया। इसमें बैठक बुलाने में रुचि भी नहीं लेते। तब हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम लोग मिले। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को मोबाइल के द्वारा सूचित किया कि आप विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक बुलाएं और इन लोगों की बात को सुने और समस्या का निदान करें। मगर जिला शिक्षा पदाधिकारी के भी बात को मैडम ने इग्नोर कर दिया और आज तक 3 महीना हो गया उनके कहने के बाद भी, लेकिन आज तक बैठक नहीं किया गया। और कचरा का अंबार था, उसको क्या किया इन्होंने, विद्यालय का सही ढंग से मरम्मती करना था, उसको ऊपर से चूना उना पोत पात करके और बिना अनुमोदन, बिना राय विचार किए, बिना हम लोगों को बताए ये अपने मन मौजी से कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी दुख है। और बिहार सरकार जो प्रबंधन समिति को बनाया है उसका यहाँ कोई मानी मतलब नहीं है, और प्रधानाध्यापिका के नज़र में प्रबंधन समिति का कोई वैल्यू और अधिकार नहीं है, इसलिए ये इग्नोर कर रही हैं। मैं मोहम्मद फारूक आजम, विद्यालय प्रबंधन समिति गांधी जानकी उत्तर माध्यमिक विद्यालय भटौना के अध्यक्ष। क्या मामला? मामला ये है कि हम प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और हम लोगों ने बार बार इनको माने सूचना किया कि भाई प्रबंधन समिति का बैठक बुलाइए, और इन्होंने बैठक बुलाने से इग्नोर की माने प्रभारी महोदया, जबकि यहाँ पर एक हमारे माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के अध्यक्षता में यहाँ पर जिला के पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी महोदया थे, और तमाम जो है मरवन प्रखंड के नहीं कांटी प्रखंड पूरे विधानसभा के जितने भी शिक्षा प्रबंधन समिति के सदस्य थे वो लोग भी आए थे, टीचर भी आए थे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी कहे थे कि प्रबंधन समिति का जो राइट है, जो इसमें एक समझिए कि दुभी भी अगर किसी तरह का यहाँ से अगर कोई ले जा रहा है तो इसका जानकारी प्रबंधन समिति की होनी चाहिए। प्रबंधन समिति स्कूल के देख रेख के लिए बनाया गया है, जो भी विकास कार्य हो, लेखा जोखा हो, कम से कम प्रबंधन समिति के माने बीच में रखना चाहिए। लेकिन जो प्रभारी महोदया है वो आज तक हम लोगों को इग्नोर किया, और इनके समझ से लग रहा है कि प्रबंधन समिति कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल से वरीय शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराना चाहते हैं कि ये कुव्यवस्था इस स्कूल में है, और आप अपने स्तर से या प्रबंधन समिति के स्तर से इस पर जांच करके और अविलंब इस पर स्वतः कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे। हम वरीय पदाधिकारी से, शिक्षा विभाग से अनुरोध करते हैं प्रबंधन समिति के सदस्यगण। परिचय मेरा रघुनाथ सनी है और मैं प्रबंधन समिति का शिक्षा प्रेमी हूँ, सदस्य हूँ। अभी तो जो प्रबंधन समिति की मामला है वो आप आँख देख रहे हैं, लेकिन हम एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स के नाते जो हमारी दिगदारी है कि बच्चे हमारे एक एक मोटा बैग ले में वो किताब लेके आना जाना है, तो हमने ऐसे ही उससे पूछा कि इतना किताब काहे ले जाती है, बैग फट जाता है। तो वहाँ से उसने कहा कि नहीं, रूटीन नहीं, हमको रूटीन से ले जाओ। तो उसने कहा कि रूटीन नहीं है। इस बात के लिए हम एक दो आदमी से, विद्यार्थी से पूछा, वो भी नहीं कहा। फिर हम आए यहाँ पर,
हम पूछे मैडम से तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमको कहा कि हमें यहाँ रूटीन वूटीन नहीं चलता है, स्पष्ट भी नहीं। इसके बाद हम प्रबंध समिति के मेंबर लोगों से समझना चाहे, चूँकि प्रबंध समिति अगर बना है स्कूल संचालन के लिए तो उस प्रबंध समिति के गार्जियन रूप में माने जाते हैं, हम एक सामाजिक रूप में सामाजिक व्यक्ति हैं, इसलिए इस इन लोगों पर दबाव दिया कि साहब स्कूल का, जब स्कूल में बच्चे के पढ़ने के लिए रूटीन नहीं हो, यही आप लोगों का प्रबंध समिति का क्या कार्य चलता है? तो इसी बीच यही चलते इन लोगों ने जो कार्य समिति में हमको आज बुलाया है, प्रबंध समिति में जो बुलाया है, उसका खास कारण है कि ये लोग बताने चाहते हैं कि हमारे बात हेडमास्टर या इस स्कूल में कितना परसेंट चलता है, अगर रूटीन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। गार्जियन के रूप में हमको यहाँ पर लोग लाया है, परिचय दिया और एक मिनट, और हम इस प्रेस माध्यम से अपने मैडम को साथ साथ जो अपर सचिव बैठे हुए हैं विधानसभा में बैठे हुए हैं, हम इस बिहार के वासी हैं, हम बिहार के वोटर हैं, हम सारे बिहार सरकार का जो उपलब्ध कराया जाता है उसका हम लोग उपयोग करने वाले हैं, क्या करते हैं उसको उपभोक्ता हैं। जब शिक्षा में ही हमारी सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो और विकास में हमको समझदारी नहीं रहेगा कि क्या हम समझदारी क्या विकास क्या हमारे साथ गलती किया जा रहा है, ऐसा ही किया जा रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आग्रह करते हैं कि आपने बच्चे को बवाली लूटते हैं कि सब कुछ देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आपके बनाए गए संचालन विधि के जो HM हैं, जो है प्रिंसिपल हैं इसी स्कूल का, इस प्रबंध जो आपका प्रबंध समिति बड़ा है उनका जो संचालन विधि है यही है। हम एक जनता के नाते, सामाजिक जनता के नाते आपके साथ प्रस्तुत करते हैं कि बिहार सरकार अपर सचिव इस पर कार्रवाई करें। मैं राम बालक ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता। हेलो हेलो जी, राजेश बोल रहे हैं। जी, हाँ, प्रबंध कमेटी का आपके विद्यालय का आरोप है कि आप मनमानी कर रहे हैं, बगैर बैठक बुलाए ही उन लोगों के सहमति के कार्य करा रही हैं और रूटीन नहीं है विद्यालय में, इस संबंध में क्या कहना? विद्यालय बिना रूटीन का मेरा चलता ही नहीं है और अभी तत्काल जो भी रूटीन आया है तुरंत उसके काम शुरू हो गया। इतने वर्ग कक्ष चलते हैं, संचालित होते हैं, तो बिना रूटीन के कैसे होंगे? रूटीन वहाँ टेबल पे रखा हुआ है, पुराना जो है पहले वाला जी। अभी जो रूटीन आई है उसपे मैंने आई और काम शुरू हो गया उस टाइम टेबल पे। 9 से 5 मेरा विद्यालय चलता है जी। और मनमानी का आरोप जो लगा रहे हैं ये लोग, प्रबंध कमेटी का बैठक नहीं बुलाई है, अपनी मर्जी से कार्य करा रही हैं, विधि व्यवस्था गड़बड़ है। विधि व्यवस्था गड़बड़ विधि, आप अगर गए होंगे विद्यालय में तो देखे होंगे कि विधि व्यवस्था क्या है। रूटीन से टाइम से स्कूल संचालित होता है, बच्चों का जो रूटीन है उसके मुताबिक पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जितने भी प्रोजेक्ट तैयार कराना, क्विज कराना, बच्चों को जो भी प्रतियोगिता है उसमें सम्मिलित कराना, तो अब इससे बेहतर विधि व्यवस्था क्या हो सकती है? और दूसरी बात, मनमानी करने का प्रबंधन कमेटी, जो भी हम काम कराएं सब प्रबंधन कमेटी के प्रोसीडिंग में है। आप आइए विद्यालय में और इसको देखिए। मतलब इन लोगों का आरोप निराधार है? बिल्कुल निराधार है जी। जी ठीक ठीक है। विद्यालय में आके पुनीता कुमारी ने लिखती है सर मैडम जी? हाँ हाँ पुनीता। ठीक ठीक। इस विद्यालय में अपर मुख्य सचिव के पाठक के कराई के बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक गांधी जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटौना में रूटीन नहीं है, रूटीन के अनुसार यहाँ क्लास नहीं चलता है, रूटीन के अनुसार यहाँ पढ़ाई नहीं होती है।
अभी आप सुन रहे थे प्रबंध समिति के लोगों ने क्या कहा कि यहाँ की जो एचएम है वो हम मनमानी कर रही हैं, डीईओ के आदेश के बाद भी प्रबंध समिति का बैठक नहीं कराया गया। हमारे इस विद्यालय में प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में एक शिक्षक भी हैं जिनका नाम अरविंद कुमार है, उन्होंने अपना बयान देने से मना किया कि मैं इनके बात से सहमत हूं लेकिन आपके सामने नहीं बोलूंगा। तो क्या स्थिति है और कैसी व्यवस्था चल रही है, शिक्षा सुधार का के पाठक क्या व्यवस्था कर रहे हैं, यह आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आप खुद सुने हैं और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि यहाँ जो विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है उसकी क्या स्थिति है और जो मरम्मत किया गया है उसकी क्या स्थिति है। विद्यालय की विधि व्यवस्था के लिए सरकार ने प्रबंध कमेटी बनाई है, उसकी नहीं सुनी जा रही है तो फिर कैसे विधि व्यवस्था होगी, यह सोचने की बात है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले। राजेश रंजन, फर्स्ट लुक बिहार, कैमरामैन विशाल के साथ।